निर्षा विधानसभा क्षेत्र के घाघरा पंचायत के मधुराइडी ग्राम में भव्य कर्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि घटवार घटवाल आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद सिंह, सुखदेव राय घटवार समाज के द्रविड़ियन संयोजक, गिरिडीह जिला अध्यक्ष ठाकुर देव राय, जामताड़ा जिला अध्यक्ष दुराज राय, केंद्रीय सदस्य संजय राय, जिला प्रवक्ता बिरवल राय, जिला युवा महासचिव विनोद सिंह, विष्णु राय, यमुना राय, यशोक राय, रामजय राय, टीकलाल राय, करम महोत्सव समारोह पिता काट कर का फीता काट कर दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत करम गीत एवं नृत्य के साथ साथ शुरू किया गया। काफी संख्या में महिलाएं एवं लड़कियों ने भाग लिया, जिसको देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुल 32 टीमों ने भाग लिया। टॉप 10 के सभी प्रत्याशियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भारी बारिश के बावजूद भी महिलाएं एवं लड़कियों का इस प्रोग्राम में डटी रहीं। आयोजन समिति के संतोष राय ने कहा कि यह कार्यक्रम निरसा विधानसभा के सभी घटवार समाज के लोगों ने सहयोग किया है। हम सबके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। इसके लिए पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिसमें थोड़ी सी बारिश की वजह से रंग में भंग हुआ। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी भी हुई, फिर भी महिलाएं एवं लड़कियों की भीड़ कम नहीं हुई। सभी ने अपनी बारी बारी का इंतजार से नृत्य का कार्यक्रम किया। नमस्कार, जोहार, मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। इस वक्त मैं निरसा विधानसभा के घाघरा पंचायत और घाघरा पंचायत के मधराडी में कुया घटवार घटवाल आदिवासी महासभा के द्वारा करम महोत्सव का कार्यक्रम रखा हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का, देख सकते हैं बारिश के बावजूद भी आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन जरा दिखाइएगा, बारिश के बावजूद भी किस तरह का दर्शक लोग बारिश में भीग कर भी देख रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है मामला, बारिश के मजा लेकर भी इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे जो घटवाल समाज के बहुत सारे लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा? हाँ, एकदम कहेंगे, बहुत ही बड़ा बड़ा प्रोग्राम है। ऐसे में मतलब अपना जो है संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजनकर्ता लोग को। मैंने साफ कहना है कि हम लोग का दिन प्रतिदिन संस्कृति सभ्यता लुप्त के कगार पर था, लेकिन घटवार समाज के लोगों ने फिर से अपने संस्कृति अपनी सभ्यता को उजागर करने का काम किया है, फिर से अपने पूर्वजों का मान सम्मान रखने का काम किया। हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहिएगा दादा? देखिए, ये जो आज का जो कार्यक्रम है हमारे निरसा विधानसभा क्षेत्र घाघरा गांव में, विशेष करके भुइयां घटवार घटवाल आदिवासी महासभा के तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था, जो हमारे परंपरागत चले आ रहे हैं त्यौहार कर्मा, जो हमारे बहन लोग मनाती है त्यौहार, ये यहाँ के झारखंड के मूलवासी आदिवासी जो आदिकाल से यहाँ रहने वाले लोग जो लोग हैं, वे लोग का मतलब ये त्यौहार है। खास करके आज का कार्यक्रम उसी उद्देश्य से मनाया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें धनबाद जिला के साथ साथ जामताड़ा और अगल बगल के जो ज़िले हैं, इसमें सभी बहनें आके पार्टिसिपेट किया, कार्यक्रम में भागीदारी लिया, जो एक बेहद रूप में हम लोग ये कार्यक्रम का मतलब चला रहे हैं। ये हमारा संस्कृति, हमारा जैसे जल जंगल जमीन यहाँ से जो जुड़े हमारे सभ्यता जो है, इन सारे विषयों का मतलब हम लोग जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम आज का था। जो बारिश के वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन हमारे अभी भी कार्यक्रम यहाँ पे चालू है, वो चल रहा है, जिसमें हमारे माता बहनें और हमारे पूर्वज मतलब जो बड़े भाई लोग हैं, चाचा हैं, काका हैं, मतलब समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग सब इसमें आके भागीदारी बने हैं। मतलब साफ कहना है कि घटवार समाज के हर एक क्षेत्र से, हर एक कोने कोने से आए हुए हैं और इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। बारिश के बावजूद भी बारिश ने डिस्टर्ब किया, क्या कहिएगा? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल दादा, एकदम सही बात बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तरफ से सबको जोहार करता हूँ। ये हम लोग का जो महापर्व है
भाई बहन का पर्व है, करम पर्व। ये हम लोग घटवार भुइयां घटवाल जो है पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर गांव मोहल्ला में अभी के समय में आपको करम गीत सुनने को मिलेगा। बहुत ही खुशनुमा माहौल बना हुआ है अभी पूरा गांव मोहल्ला में। और ये पर्व, ये त्यौहार जो है और भी कई राज्यों में मनाए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वहाँ भी हमारे जनजाति लोग जो हैं सब ही मनाते हैं। कहाँ से चल के आए हैं आप? हम बोकारो जिला से आए हैं, चंदनकियर प्रखंड से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष राय। दीदी, लोग करम त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये त्यौहार हमारी संस्कृति है, हमारी घटवाल, घटवाल सभा की घटवाल है, घटवाल भुइयां आदिवासी हम लोग का, तो उन्हीं का भाई, अपना बहन अपना भाई के लिए त्यौहार मनाते हैं। कैसा महसूस कर रही है आज यहाँ पे आई हो? बहुत ही अच्छा। कहाँ से चल के आई हो? हम निरसा से आए हैं। निरसा से चल के आई हो? क्या इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? बहुत होना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी भी संस्कृति लुप्त हो रही है, इसको जागृत करने के लिए जरूरी है। क्या कुछ कमेटी का सक्रिय सदस्य हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या ऐसा लगा जो आप लोग पहले करम करते थे लेकिन घर घर में गांव गांव में होता था, लेकिन क्या ऐसा लगा जो आज सामूहिक तरीके से आज निरसा विधानसभा क्षेत्र के घाघरा पंचायत में हो रहा है? देखिए, हम लोग को परंपरा, झाड़ी, जंगल, जाहिद थान, काली थान, ये लोग हम लोग घटवार जाति में पूजा करते थे, और वही परंपरा देख करके नाना दादू को जो रीति रिवाज है यही स्थिति को काम कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे हैं जो ये जो त्यौहार है तो त्यौहार को हम लोग कैसे मैंने अच्छा से स्वागत करेंगे, तो इसलिए गांव-गांव में गए हैं मेरा समाज को पास, जे अच्छा से एक जगह बैठेंगी और किस तरीका से जगाने पड़ेगा यही आनंद लेना है। समाज के तरफ से आप लोगों के क्या पहल आया है? समाज के तरफ से देखिए, जितने भी आनंद लिए हैं और आदमी हर गांव का मौजूद हो, मेरा समाज मैंने साफ है कहना है कि निरसा विधानसभा के हर एक गांव के लोग यहां पे आए हैं और सब ने अपना अपना सहयोग दिया है इस प्रोग्राम को करने के लिए। हम जानने का प्रयास करेंगे यहां पे एक पूर्व मुखिया, जो घाघरा पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। घाघरा निरसा विधान क्षेत्र में पहले घाघरा पंचायत जिला का शुरू हुआ था प्रोग्राम, आज हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसमें अध्यक्ष महोदय मधुर राय, शीतल राय, खुशी राय और अन्य प्रेमचंद राय, गोजन राय, इसका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। मैंने साफ यहाँ मुखिया जी का सहयोग है कि पूरे कमेटी के तरफ से मुखिया जी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। हम जानने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसे रखिए, ये हम लोग का पूर्वजों से ये त्यौहार हम लोग मनाते आ रहे हैं, ये भाई और बहन का एक दूसरे का श्रद्धा है, और ये जो आयोजन गाँव से लेकर के आज पंचायत स्तर पर आया, प्रखंड पर जाएगा, जिला पर जाएगा, हो भी रहा है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे झारखंड के ये बहुत ही उमंग महिलाओं के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, एक दूसरे के लिए प्रेम है, भाई बहन का ये पर्व त्यौहार है, इसी उम्मीद से हम लोग मनाते हैं। और ये जो प्रोग्राम आज हुआ, आज बहुत ही अच्छा हुआ के द्वारा करम महोत्सव, झारखंडी संस्कृति करम महोत्सव को लेकर आप देख सकते हैं, कैमरामैन हमारा सहयोगी दिखाएंगे जरा किस तरह का यहाँ पे भीड़ हुजूम लगा हुआ है। रिमझिम बारिश, झमझम बारिश के बावजूद भी झमझम बारिश के बावजूद भी अभी ये भीड़, अभी ये देख सकते हैं भीड़ नहीं है, अभी तक कम हुआ है, अब इसे अंदाजा लगा सकता है कि झारखंडी संस्कृति, झारखंडी सभ्यता को लेकर घाटर समाज के लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। देखिए, अब ये देख सकते हैं कैमरामैन सहयोगी हमारे दिखाएंगे, इतना बारिश होने के बावजूद भी ये खड़ा पूरा पानी से भीग चुका है, लेकिन बच्ची लोगों का उत्साह अभी तक कम नहीं हुआ है। अब ये देख सकते हैं कैमरामैन यहाँ दिखाएगा किस तरह पारंपरिक स्वागत वेशभूषा से बच्ची लोग सज धज कर आई हुई है। कैमरामैन जी दिखाइएगा कहाँ से चल के आई बाबू? मोहदा से। देख सकते हैं ये बच्ची मोहदा से चल के आई हुई है, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। क्या कुछ कहेगी छोटी? क्या कहेगी? संस्कृति को बचाना है, जो पीछे छूट रहा है वही सब बचाना है। और